नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। खरौंधी से नवलेश पासवान की रिपोर्ट। प्रखंड करौंधी अंतर्गत सभी पंचायतों में जल शक्ति अभियान के तहत पानी बचाव को लेकर कुदाल से मिट्टी काटकर श्रम किया गया। पंचायत चंदनी निचला दोहर बांध में मिट्टी फेंकी गई। साथ ही जिला श्रम अधीक्षक गढ़वा अभिषेक वर्मा एवं खरौंधी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी अरुणदेव सिंह ने जल शक्ति अभियान में भाग लिया। जिला श्रम अधीक्षक ने कहा, यह योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पानी का बचाव करने के लिए लोगों में जागरूकता लानी होगी, क्योंकि आने वाले समय में जल संकट का सामना ना करना पड़े। वहीं पर प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी अरुणदेव सिंह ने कहा कि जो बरसात का पानी ढालनुमा भूमि होने के कारण या बांध टूटने की वजह से पानी की रुकावट नहीं हो पाती है, उसे श्रम के माध्यम से पानी का बहाव रोकना चाहिए, ताकि भविष्य खतरे में ना पड़े। जिला परिषद प्रतिनिधि राजेश कुमार रजक ने भी कहा, जल है तो कल है। आने वाले समय में पानी का संकट से बचने के लिए पानी का बहाव रोकना अतिआवश्यक है। जल शक्ति अभियान के तहत यह योजना चलाई जा रही है। हम सभी को पानी बचाने का प्रयास करना चाहिए। जिला श्रम अधीक्षक गढ़वा अभिषेक वर्मा, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी खरौंधी अरुण देव सिंह, जिला परिषद प्रतिनिधि खरौंधी राजेश कुमार रजक, पंचायत चंदनी मुखिया दुर्गावती देवी, पंचायत सचिव तुलसी राम, ग्राम रोजगार सेवक आनंद विश्वकर्मा, ताहा मीर अंसारी सहित सभी सेवक और वार्ड सदस्य व काफी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। सर, जल शक्ति अभियान के तहत खरौंधी प्रखंड अंतर्गत चंदनी पंचायत में बांध में आम आवाम के साथ पंचायत कर्मी प्रखंड कर्मी के साथ जो ये श्रम किया जा रहा है, तो क्या इसका श्रम करने का क्या सरकार का क्या उद्देश्य है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसके माध्यम से भूमिगत जल का जो में गिरावट हो रही है उसको रोकने हेतु वृहत स्तर पर लोगों में जागरूकता फैलाना और पानी को बचाने के लिए लोगों में जन जागरूकता का के माध्यम से हम लोगों ने इसको एक उद्देश्य के रूप में लिया है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में या आने वाले समय में लोग अधिक से अधिक इस महत्वपूर्ण जल संकट को समझेंगे और अधिक से अधिक पानी संचयन के लिए प्रयासरत होंगे। उम्मीद है कि हम लोगों के द्वारा ये जो आज कार्यक्रम चलाया जा रहा है ये एक जन जागरूकता का रूप लेगा और आने वाले समय में हम लोगों को जल संकट से मुक्ति मिल जाएगी। आज जो चन्नी पंचायत में जल शक्ति अभियान का प्रोग्राम किया जा रहा है, उसके तहत जो पानी का ढलाव के कारण पानी जो बह जाते हैं, नदी को निकल जाती है, उसको रोकने के लिए प्रयासरत है सभी लोग। इसमें श्रमदान करना है अपने अपने सभी लोग, चाहे पंचायत प्रतिनिधि हो, मीडिया कर्मी हो, ब्लॉक कर्मी हो, पानी को रोकने के लिए प्रयास करें ताकि आगे का भविष्य सही रह सके। सर, जल शक्ति अभियान के तहत मनरेगा मजदूरों और आम जनताओं के बीच जो ये श्रम किया जा रहा है, तो क्या इसे ग्रामीणों को क्या इससे मनसिक होना चाहिए और इससे क्या अभियान के तहत जो यह चलाया जा रहा है सरकार द्वारा, यह जो योजना है, यह विकट परिस्थिति आने वाला समय में जल है तो कल है और जल का जो बहाव नहीं रुक पा रहा है, बारिश कम हो रहा है और वह पानी बिल्कुल नदी नाला से बह करके समुद्र में चला जा रहा है, उसका कोई यूज नहीं हो पा रहा है, तो जल संकट भारी संकट होने वाला स्थिति है। इसीलिए सरकार के द्वारा जो चलाया जा रहा है कि जल संरक्षण के द्वारा जो हम लोग तालाब नदी नाला को बांध करके जल को हम लोग रोकें ताकि आने वाला समय में जल का संकट ना हो, इसी की वजह से यह किया जा रहा है। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे और ग्रामीण जनता और मनरेगा मजदूर सभी लोग कि जल को हम लोग संरक्षण करें ताकि आने वाला समय में हम लोगों को जल कोई परेशानी ना हो और हम लोगों के इसका संकट। धन्यवाद।